get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we Alright, so hey guys everybody, this is Imtiaz Hussain, new vlog video, welcome to my vlog, my YouTube family. So, अभी हम आए हैं दिल्ली की जामा मस्जिद पे, मैं बाहर हूँ, अभी एंट्री करते हैं, अंदर चल के गाइस बात करेंगे, बाकी ये गेट है, यहाँ से एंट्री होगी. गाइस अंदर जाने के लिए हमें चप्पलें बाहर निकालनी पड़ती हैं और ये यहाँ पे चप्पलें भैया अपने पास रखते हैं, 10 रुपये चार्ज करते हैं, हम अभी अपनी चप्पलें यहाँ निकाल देंगे फिर अंदर चलते हैं. ये लो भैया चप्पल. गाइस मैं अभी गेट से एंट्री कर चुके हैं हम लोग और मैं जामा मस्जिद के अंदर आ गया हूँ. काफ़ी बड़ी मस्जिद है, अभी इसके कुछ इतिहास के बारे में बताएंगे, जितनी हमें नेट के थ्रू जानकारी मिली है उतना ही आपको मैं बताऊंगा अभी. गाइस इस मस्जिद का इतिहास बताते हैं. इस मस्जिद को मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने 1644 में तामीर कराया. इस मस्जिद काफ़ी खूबसूरत मस्जिद बनी है, ये इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है क्योंकि इस मस्जिद में कम से कम 30,000 नमाजी एक बार में नमाज पढ़ सकते हैं, इतनी बड़ी मस्जिद है. और इस मस्जिद को 5,000 मज़दूरों ने बनाया और इस मस्जिद को उस दौर में बनाने में कम से कम गाइस 10 लाख रुपए खर्चा आया. काफ़ी बड़ी और ख़ूबसूरत मस्जिद है, इसमें 3 गुंबद और 2 मीनार हैं. गाइस इस मस्जिद 80 मीटर लंबी है और 27 मीटर चौड़ी मस्जिद है. ये काफ़ी खूबसूरत है, ये मस्जिद लाल किले के बिल्कुल सामने बनी हुई है और हम जामा मस्जिद आए हैं आपको भी घुमाएंगे. इसके सामने मीना बाज़ार भी लगता है और ये गाइस आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है यहाँ जामा मस्जिद पे, काफ़ी लोग, क्या हज़ारों की तादाद में इस टाइम लोग हैं जामा मस्जिद पे, काफ़ी लोग आते हैं और मस्जिद भी बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं. आप अगर दिल्ली आएँ तो जामा मस्जिद ज़रूर आएँ. कितनी भीड़ है यहाँ पर आपको दिखता होगा, कितने लोग आए हुए हैं, अपनी फैमिली के साथ भी लोग आते हैं यहाँ और बहुत अच्छा लगता है. लाल किले के बिल्कुल सामने जामा मस्जिद है और इसके बाहर बहुत बड़ा मार्केट लगता है, मीना बाज़ार है बाहर की साइड में. अब मीना बाज़ार इस ब्लॉग में हम नहीं लेंगे गाइस क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे उसमें मीना बाज़ार आपको दिखाऊंगा मैं. और जामा मस्जिद के बाहर कुछ चीज़ें बहुत फेमस हैं गाइस, मोहब्बत वाला शरबत, अगर हम जामा मस्जिद आएँ मोहब्बत वाला शरबत ना पिए तो मज़ा ही कुछ नहीं है. चलेंगे अभी नीचे, मोहब्बत भरा शरबत भी आपको पियेंगे हम, आप भी आएँ तो वो वहाँ पर जाके मोहब्बत वाला शरबत तरबूज वरबूज वगैरह से बनता है, काफ़ी फेमस शरबत है, आप भी ट्राई करें. और जामा मस्जिद बहुत खूबसूरत है गाइस, बनी हुई ये पत्थर से पूरी बनी हुई है, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने इसे बनवाया था. और ये दिल्ली गाइस आप जो मीनार देख रहे हैं ये मस्जिद का 85 मीटर ऊंचा मीनार है और इसके ये 3 गुंबद हैं, फिर एक मीनार इस साइड में है. ये 3 गुंबद और 2 मीनार हैं दिल्ली की जामा मस्जिद में, 85 मीटर ऊंचा ये मीनार है. गाइस इस मस्जिद के सबसे पहले इमाम सैयद अब्दुल शकूर शाह थे, उन्हीं की औलादे उन्हीं की नस्लें इसमें मस्जिद में इमाम हैं, जब से शाही इमाम अब्दुल बुखारी सैयद इस टाइम मस्जिद के इमाम हैं. चलो गाइस चलते हैं मस्जिद के अंदर की तरफ, अब ये बाहर से हम थे यहाँ पे, अंदर जा रहा हूँ मैं मस्जिद के. अब ये वुज़ू बनने के लिए यहाँ पे पानी है, ये चलते हैं गाइस मस्जिद के अंदर, चलेंगे हम और अंदर से देखेंगे अंदर कैसा. मैं तो 10-12 बार आ चुका हूँ यहाँ पे, आज पता नहीं कितनी देर दिन के बाद, 2 साल पहले आया था, 2 साल के बाद अब आया हूँ. चलते हैं अंदर, लोग यहाँ पर गाइस वुज़ू करते हैं. गाइस मैं मस्जिद के बिल्कुल अंदर हूँ, अंदर नमाज भी हो रही है, अंदर चलते हैं थोड़ा सा. ये अंदर का हिस्सा है, यहाँ नमाज हो रही है, मैं बाहर जा रहा हूँ इसलिए अंदर सूट हम नहीं करेंगे, नमाजियों को नमाज़ पढ़ने में कहीं खलल पड़े. आपको ये मेरे पीछे मीनार दिख रहा है, 85 मीटर ऊंचा मीनार है, इसके ऊपर लोग हैं, मैं भी इसके ऊपर जाता हूं और ऊपर से देखेंगे कैसा लग रहा है. मैं अभी मीनार जहां पे टिकट मिलता है वहां पे आया, बट नमाज का टाइम है, नमाज के टाइम ऊपर जाने नहीं देते हैं, उन्होंने मना कर दिया, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम ऊपर जाएंगे, नमाज के टाइम सबको नीचे उतार दिया जाता है इसलिए हम ऊपर नहीं जा सकते, चलो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ऊपर जाएंगे. चलो गाइस चलते हैं अब बाहर, बहुत घूम लिए जामा मस्जिद के अंदर, आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ अपनी फैमिली के साथ आते हैं. डूड गाइस मगर यार मैं बहुत थक गया था, कल मैंने राजघाट का ब्लॉग शूट किया था, अभी मेरी तबीयत भी सही नहीं है, मुझे बस अब आराम करने का मन कर रहा है, बस कितना ब्लॉग शूट करूँ यार,
कल हमने राजघाट पे ब्लॉग शूट किया था तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, बट मुझे आना पड़ा। फिर एक भाई ने कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कहा था कि जामा मस्जिद का ब्लॉग बनाओ, तो मुझे टूट गए इस जामा मस्जिद का ब्लॉग बनाना पड़ा। इसलिए हम लोग काफ़ी घूम लिए, काफ़ी मेरा शरीर भी दर्द कर रहा है। 2-3 दिन से लगातार मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए गाइस, और ब्लॉग देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो। मैं जामा मस्जिद के अब गेट से बाहर जाऊँगा, काफ़ी देर से हम शूट कर रहे हैं और ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर जाना वो करूँगा। तो गाइस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो क्योंकि न्यू चैनल है आप लोगों को पता है। तो मैं बाहर निकल के बाहर का दिखाता हूँ, बाहर है मीना बाजार। तो गाइस मैं अब जामा मस्जिद के गेट से बाहर आ गया हूँ, मैं बाहर यहाँ लगता है मीना बाज़ार और जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने से दिखता है लाल किला। लाल किले का हम नया दूसरा ब्लॉग बनाएंगे, इस ब्लॉग में नहीं बना सकते क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा गाइस। लाल किले का नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह। गाइस जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे मैं खड़ा हूँ, सामने है बिल्कुल इसके फ्रंट सामने लाल किला, ये आपको दिख रहा है, और इसके यहाँ पे लगता है मीना बाजार। गाइस मैं इसकी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूँ, अब हम चलेंगे घर पे और ब्लॉग को थोड़ा सा और शूट बाहर करेंगे, उसके बाद में ब्लॉग को एंड कर दूंगा। नीचे देख के चल रहा हूँ, कहीं पता लगे नीचे गिर जाऊँ ब्लॉग भी शूट ना हो यार। ओए भाई यार काफ़ी सीढ़ियाँ इसकी यार, चढ़ने में इतनी दिक्कत होगी, मेरे पैरों में दर्द होने लगा यार। मैं नीचे आ गया हूँ फिलहाल और बाहर थोड़ा तुम्हें दिखाता हूँ, फिर ब्लॉग को एंड। गाइस अगर जामा मस्जिद आएँ, अगर मोहब्बत भरा शरबत न पिए तो आने का कोई फ़ायदा ही नहीं। ये भाई की शॉप है, बिल्कुल सीढ़ियों पे नीचे ही है, यहाँ पे जो शॉप लगती है मोहब्बत वाला शरबत काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी पुरानी शॉप है। ये भाई हैं, इनकी शॉप है 2 नंबर गेट पे, शॉप है ये। चलो गाइस शरबत काफ़ी बढ़िया है, हमने पी लिया। चलो गाइस ब्लॉग को मैं यहीं से एंड करता हूँ, बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा वरना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट ब्लॉग हम लोग कहाँ का बनाएं। ये है दिल्ली की दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने की मीना बाज़ार, यहाँ काफ़ी बड़ी मीना बाज़ार लगती है, आप आएँ तो यहाँ पर भी आएँ। और गाइस ब्लॉग को यहीं से एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट ब्लॉग हम कहाँ का बनाएंगे, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करें। मेरा यूट्यूब पे न्यू चैनल है आपको पता है, ये है जामा मस्जिद सामने की मीना बाज़ार, यहाँ ये मीना बाज़ार बहुत बड़ी लगती है, आप कभी भी आएँ यहाँ भी आएँ। लव यू ऑल गाइस। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading.